हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। आज मैं करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल। मैंने मिंत्रा से कुछ टी शर्ट शर्ट एंड मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो मैं उन सब का आपके सामने रिव्यू करूँगी, फिर आप देखेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स GOT की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वैसे तो अब गेम ऑफ थ्रोन्स ख़त्म हो गए हैं, बट मेरा मन था मिंत्रा से टी शर्ट लेने का, तो मैंने दो टी शर्ट ली हैं। एक है मेल टी शर्ट, एक है फीमेल टी शर्ट। फीमेल टी शर्ट ये है, ये मैंने अपने लिए ली है। ये जो मेल टी शर्ट है ये मैंने अपने मेल फ्रेंड के लिए ली है, उसका बर्थडे आने वाला है। ये मेरी टी शर्ट है, आपको देख के पता चल गया होगा कि ये डेनेरिस का डायलॉग है। यहाँ पे ड्रैगन्स भी बने हुए हैं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। इसमें मेरा साइज है S, वैसे मुझे यूजुअली S ही आता है। इसकी MRP है 699 रुपीज़, बट मैंने ये डिस्काउंट पे ली थी 352 रुपीज़ की। और सेम वो जो मेल वाली टी शर्ट है इसका भी साइज S है, इसका भी प्राइस 352 रुपीज़ है। ये मेल टी शर्ट है, इसमें लिखा है अ लैनिस्टर ऑलवेज पे हिज डेब्ट गेम ऑफ थ्रोन्स। इन दोनों टी शर्ट की ही क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। इन दोनों टी शर्ट का मटेरियल कॉटन है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे इसका मटेरियल बहुत पसंद आया। यहाँ आप ऐसे देखेंगे तो बॉयज़ के जो टी शर्ट है यहाँ पर ऐसे फोल्ड है, बट गर्ल्स के ऐसे फोल्ड नहीं है, नॉर्मल है। इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज तक साइज़ मिल जाएंगे। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको मिंत्रा पर गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी डायलॉग्स की भी टी शर्ट मिल जाएंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास दो मैन शर्ट। ये दोनों शर्ट हैं ऐसे पॉलिथीन में रिसीव हुई थी। मेरी फर्स्ट शर्ट है ये, इसका कलर है लाइट येलो, बिल्कुल भड़कीला येलो नहीं है जो कि बहुत ही गंदा लगता है। इसका मटेरियल है 100% कॉटन एंड साइज है 40। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, डिज़ाइन भी डिफरेंट है, उस पर हैशटैग बने हुए हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट और अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस और पार्टी दोनों में ही अच्छी लगेगी। मैंने ध्यान दिया है कि जो बॉयज़ के और मैन के कपड़े होते हैं वो मिंत्रा पे ज़्यादा अच्छे होते हैं, शर्ट टी शर्ट या जींस, और गर्ल्स के मुझे इतने कुछ खास नहीं लगते कुर्ती के अलावा। नेक्स्ट शर्ट है ये, दोनों ही शर्ट ब्रिटिश क्लब ब्रांड की है। ऐसे चेक प्रिंट वाली आपने बहुत शर्ट देखी होंगी क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रिंट है ये, बट ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ली। इसका साइज़ है 38, ये भी 100% कॉटन है, बट इसका मटेरियल थोड़ा सा थिक है उस वाले से। गेम ऑफ थ्रोन्स की दोनों टी शर्ट और ब्रिटिश क्लब की दोनों शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैं तो आपको रिकमेंड करती हूँ। यूजुअली लोग कॉस्मेटिक का सामान नायका से लेते हैं, मैंने मिंत्रा से ट्राई किया है। यहाँ पर मेरे पास 4 मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है ये वेट एंड वाइल्ड का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे, ये हमें मिलता है 45 ml। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं, बट मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, मैं इसे आगे किसी मेकअप वीडियो में यूज़ करूँगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्लाडियो का ब्राउ जेल, इसमें मेरा लाइट एंड मीडियम शेड है, थोड़ा सा ब्राउ पे ये मैं यूज़ करती हूँ तो थोड़ा सा लाइट लगता है। इसकी MRP है 500 समथिंग, मैंने ये मिंत्रा से लिया है 350 रुपीज़ का। इसका एप्लीकेटर ठीक ठीक है, जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ मैंने इसकी एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी, इसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 ईयर है, मतलब हद होती है, मुझे 1 साल में इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना है, पर ठीक है मैं ख़त्म कर लूँगी। बट जो प्रोडक्ट आपको लगता है लिपस्टिक जैसे कि आप 1 साल में नहीं ख़त्म कर सकते, तो आप मिंत्रा से सोच समझ के खरीदें कि कहीं आपको 1 ईयर की एक्सपायरी वाली ना मिल जाए। इसके बाद जो मेरा मेकअप प्रोडक्ट है वो है कीको मिलानी का लिप लाइनर, इसमें मेरा शेड है स्मार्ट फ्यूजन लिप पेंसिल। इसमें काफ़ी सारे शेड आपको मिल जाते हैं, बट नायका पे ज़्यादा मिलेंगे, मिंत्रा पे कुछ ही मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं मैंने इसके। इसमें जो मेरा शेड है वो रेड है। इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और ये लिप पे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते, मैं सोच रही हूँ एक दो और शेड खरीदने की। इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है मेरे पास ये जैकलीन की लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड है 07 परफेक्शनिस्ट। इसकी MRP है 399 रुपीज़, बट मैंने मिंत्रा से 299 रुपीज़ में लिया था। इसमें हमें क्वांटिटी मिलती है 3.5 ml। इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, इसका जो शेड है वो है थोड़ा सा पिंकिश न्यूड शेड है, बहुत डिफरेंट शेड है, प्यारा सा कलर है, मेरा ये करंट फेवरेट है।
आप देख सकते हैं कितना प्यारा शेड है, ये हर स्किन टोन को सूट करेगा। ये बहुत ही लाइट वेट है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है, एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे आप ऑयली कुछ खाओगे तो इस साइड से बहुत थोड़ा सा ही हटेगा, ज़्यादा नहीं हटता है दूसरी लिक्विड लिपस्टिक के कंपैरिजन में। एंड आजकल ये मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, मेरी करंट फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक है ये। मेरा हॉल यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट शर्ट है ये, इसका प्रिंट ऐसे आपने बहुत दो इस सेटिंग स्प्रे